हे गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज, आज की डेट है 23 मई और यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं कर रही हूँ अपनी चिमनी को क्लीन। तो चिमनी क्लीन कैसे की जाती है वो किसी ने रिक्वेस्ट की थी, तो यहाँ पर मैंने लिया है गर्म पानी और उसमें सर्फ ऐड किया है। तो अब इसे सर्फ घुलने दूंगी और उसके बाद मैं जाऊँगी अभी किचन में। तो किचन में क्या क्लीन करना है वो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर चिमनी के नीचे देखते हैं तो आप देख सकते हो जहाँ से ऑयल खींचता है, मतलब जहाँ से आपकी हवा खींचती है या ऑयल खींचता है, तो वहाँ पर ये जो प्लेट्स होती है वो क्लीन करनी पड़ती है। तो ये प्लेट कुछ इस तरह से निकालनी होती है, बहुत इजी है निकालना, तो इस तरह से निकालनी होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कितना ज़्यादा ऑयल खींचा है चिमनी ने। तो पीछे मैं दिखा देती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है ये और इतना ज़्यादा ऑयल खींचा है इसने, मतलब इससे भी ज़्यादा, कभी कभी टपकने लगता है ऐसे ऑयल खींचता है, मतलब जो छींटे इधर उधर नहीं उड़ते हैं वो ये ऑयल खींच लेता है। तो इस तरह से इसी वजह से चिमनी लगाई जाती है और जो चिपचिपी एयर होती है वो भी ये खींच लेता है, तो इसीलिए चिमनी लगाई जाती है, नहीं तो फिर आपका जो फर्नीचर बना होता है वो गंदा हो जाएगा। मतलब अगर चिमनी खींचेगी नहीं ये सारी चीज़ें तो वो आपके जो फर्नीचर है उसे उस पर बैठ जाएगा और उस को ये चिपचिपा कर देगा, तो इसी वजह से ये चिमनी बिठाई जाती है। तो यहाँ पर ये प्लेट्स निकाल ली है, अभी इस जो हमने पानी बना के रखा था, जो गर्म पानी में सर्फ डाल के रखा था, तो उसमें मैं ये डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए रख दूंगी, मतलब आधे एक घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। तो उससे क्या होगा कि ये जो मैल है वो सॉफ्ट हो जाएगा और वो जल्दी निकल जाएगा। तो वैसे भी गर्म पानी में ऑयल जल्दी ही निकल जाता है, तो इसीलिए आपको ऐसे ही भिगो कर रखना है तो जल्दी से निकल जाएगा। और इसे ब्रश से निकाल लेना है, ब्रश से क्लीन कर लेना है। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है और हम लोग जस्ट सो के उठे थे, तो आज भी बोर हो रहा था, मतलब बाहर जो वॉल कंपाउंड है वहाँ पर क्लीनिंग चल रही थी, तो आज भी बोर हो रहा था, तो आज भी देख रहा था कार्टून मोबाइल में, तो उसके हाथों में मोबाइल पकड़ा दिया था उसके पापा ने, क्या ताकि ये बीच बीच में ना करें यहाँ पर। तो वो कर रहे थे यहाँ पर क्लीनिंग और शाम को ऐसे ही पानी वगैरह डाल देते हैं। तो आज तो बाप बेटे दोनों भी लगे थे क्लीनिंग करने के लिए, और आप देख सकते हो माही भी लगी है उसके पापा के साथ क्लीनिंग करने के लिए, वो भी हेल्प कर देते हैं उसके पापा को। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे मतलब खेलते खेलते या टीवी देखते देखते भी बोर हो जाते हैं, तो इसी वजह से ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मतलब एक्टिविटीज़ क्या, वो उसके पापा को हमेशा ही हेल्प करती है, तो ऐसे ही हेल्प कर देती है, बोर होती है बैठे बैठे तो इसीलिए हेल्प कर देती है। तो बस मैं अभी चाय बनाने के लिए जाऊंगी, चाय बनाऊंगी, हम लोग अभी चाय पियेंगे। और आप लोग बताइए, आप लोगों का रूटीन कैसे चल रहा है, मतलब आप लोग कैसे क्या क्या कर रहे हो इस लॉकडाउन में, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी बज रहे हैं 8:30 और आज ब्लॉग स्टार्ट करने का मन ही नहीं कर रहा था। पूछो क्यों, क्या हुआ कि अद्विक ने थोड़ा सा कांड कर दिया था आज। हम लोग बाहर बैठे थे सभी लोग शाम को, और इसने क्या किया, अद्विक ने अंदर आया और अंदर सोफे पर ना माही का एक ब्रेसलेट पड़ा था, तो उसके अंदर ना बीड्स थे कुछ, तो वो माही का ब्रेसलेट उसने तोड़ दिया और उसके अंदर का जो एक स्क्वायर वाला बीड था तो वो उसने नाक में डाल दिया, और फिर रोते हुए हमारे पास आया। फिर इतना टेंशन आ गया था हमें कि आपको क्या बताऊँ, मतलब बहुत टेंशन में आ गए थे। अभी लॉकडाउन है तो उसकी वजह से हॉस्पिटल भी बंद है, अभी कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए इसे, इतना टेंशन आ गया था और वो तो रोए जा रहा था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, मतलब मेरा ही मैंने आइडिया लगाया कि चलो इसका एक नाक, मतलब उसको पूछा मैंने कि कौन से नाक में गया है, तो फिर वो दिख भी नहीं रहा था, थोड़ा सा अंदर गया था, दिख भी नहीं रहा था, तो मैंने क्या किया, उसका जो दूसरा नाक था वो बंद किया ऐसे और उसको जोर से छींकने के लिए बोला। तो पहले छींक में तो आया नहीं, वो दूसरे छींक में उसने ताकत से जब छींका तो आ गया वो बाहर, फिर टेंशन खत्म हो गया। मतलब अगर वो अंदर फंस जाता ना, या तो वो अंदर सांस भी ले लेता ना बहुत तेजी से, तो वो अंदर फंस जाता, वो हॉस्पिटल में ले जाने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता ही नहीं रहता। और ये लॉकडाउन में क्या करते क्या नहीं, मतलब थोड़ा सा हम लोग बाद में सोच रहे थे, बट पहले तो टेंशन आ गया था हमें कि यार क्या होगा। तो ऐसा हुआ आज, इसी वजह से मेरा ब्लॉग करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि नहीं आज ब्लॉग नहीं करता है। तो फिर मुझे नहाना भी था, मैंने अभी नहाया, हेयर वॉश करना था मुझे, तो मैंने इसीलिए नहाया अभी क्योंकि मैंने ऑयलिंग की थी, और आप सोच रहे होंगे कि कितनी बार ऑयलिंग करती है हेयर को, तो मैं ऐसे ही करती हूँ रियर, मतलब मैं हफ्ते में 2-3 बार तो ऑयलिंग कर ही लेती हूँ हेयर में, इसी वजह से मेरे जो हेयर है बहुत अच्छे से शाइन भी करते हैं, मैनेजेबल दिखते हैं, और हेयर फॉल भी नहीं होता है, डैंड्रफ भी नहीं होता है। और बहुत लोगों को गलतफहमी होती है कि ज़्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, उससे हेयर फॉल होता है, बट ये सरासर गलत है।
मतलब जितना आप आपके बालों को वॉश करोगे, जितना आप साफ सुथरा रखोगे आपके बालों को, उतने ही आपके बाल अच्छे दिखेंगे और साफ सुथरे रहेंगे। मतलब जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है या बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं वो इससे कम होंगे, जैसे कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम और हेयर फॉल की प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं हेयर में, तो वो हेयर वॉश करने से या हेयर ऑयलिंग करने से नहीं होंगे। तो इसी वजह से आपको हफ्ते में 2-3 बार तो हेयर ऑयलिंग करनी ही चाहिए और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको हेयर वॉश करना चाहिए। तो हेयर वॉश प्रॉपर करोगे आप और कंडीशनर सीरम अप्लाई करोगे तो अच्छे से आपके हेयर रखोगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हेयर से रिलेटेड, मतलब हेयर फॉल भी नहीं होगा, डैंड्रफ भी नहीं होगा और ये सारी चीज़ें कभी नहीं होगी। तो यही होता है। और हाँ, मैंने ये भिगोने के लिए डाला था ना, तो वो मैंने वॉश कर लिया है, तो यहाँ पर अच्छे से ये वॉश हो गया है। अभी लगा दूंगी इसे, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था ना, आप देख सकते हो इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ये, अभी वॉश किया है तो चमक रहा है ये, इसे सूखने के लिए रखा था तो ये ड्राई हो गया, अभी लगा दूंगी इसे। और इसे लगाना कैसे है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, मतलब ये जैसे ही आप अंदर खींचते हो ऐसे तो ये अंदर चला जाता है, तो ये ऑटोमेटिक उसमें फंस जाता है। तो इसमें मैं लगा के आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो ये इस तरह से फंसाना है और ये लग गया, तो अभी ऐसे ही करेंगे। तो ये लग गया है, तो आप देख सकते हो ये लग गया है और अभी बहुत ज़्यादा क्लीन लग रही है चिमनी। और मैंने ना दोपहर में ही चिमनी ऊपर से भी वॉश कर ली थी, मतलब ना इस पर ना बहुत धूल बैठ जाती है, अगर हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पे तो धूल बैठ जाती है, जैसे झाड़ू वगैरह मारती हूँ तो धूल बैठ जाती है, तो वो मुझे बार बार मतलब एक दिन छोड़ के क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो एकदम बारीक से धूल कांच के ऊपर दिखती है, तो इसी वजह से मैं क्लीन करती रहती हूँ ये। तो मैंने आज ना पूरी चिमनी ही क्लीन की, बट उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं। चिमनी को क्लीन करना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मतलब ऐसे ही आपको जो स्क्रब होता है आपका बर्तन वॉश करने का, वो सिर्फ आपको घिसना होता है उस पर और बस वो क्लीन हो जाती है। मतलब एक बार गीले कपड़े से क्लीन कर लो, एक बार सूखे कपड़े से क्लीन कर लो, बस हो जाएगी, चमक जाएगी आपकी चिमनी। और नीचे का तो मैंने आपको दिखा ही दिया कि किस तरह से क्लीन करना होता है। और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट की थी कि आपका घर बहुत अच्छा है, आपकी किचन बहुत अच्छी है, अगर उन्होंने किचन देखी है तो मेरी चिमनी भी देखी होगी, बट पता नहीं उन्होंने कमेंट ऐसे क्यों किया। उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के बाद चिमनी लगा लो आप, आपके घर में एक चिमनी की ही कमी है, तो चिमनी तो ऑलरेडी लगी हुई है यार मेरे घर पे, तो पता नहीं उनको कैसे दिखी नहीं है। मतलब मैंने किचन टूर भी शेयर किया है आपके साथ, होम टूर भी शेयर किया है, अगर वो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो चिमनी तो हमेशा दिखती ही है उसमें, तो पता नहीं उन्होंने ऐसी कमेंट क्यों की थी। तो चलिए, अभी डिनर भी बनाना है मुझे, तो मैं लग जाती हूँ खाना बनाने में। और तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्जी, तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ, बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो गाइज, आलू की सब्जी बनाने के लिए हमें यहाँ पर आलू के छिलके निकाल लेने हैं और इस तरह से लंबे लंबे आलू को काटना है। एक्चुअली दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और खाने का भी मन करता है। एक्चुअली जो आलू हम लोग छोटे छोटे काटते हैं तो वो हमेशा ही काटते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, और क्योंकि सब्जी तो हमेशा एक ही जैसे होती है, बट थोड़ा सा उसे स्टाइल दी जाए, मतलब उसके काटने का तरीका अलग किया जाए या कुछ भी, तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मूड भी चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से काट लेना है आपको लंबे लंबे आलू के पीसेस, और उसके बाद आपको उसे फ्राई करना है। एक्चुअली अब मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है क्योंकि मेरे यहाँ पे सरसों का ऑयल नहीं है, इसी वजह से। आप चाहो तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हो, मतलब चाहो तो मीन्स सरसों के ऑयल में बहुत अच्छी सब्जी बनती है, तो आप चाहो तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हो। और बहुत लोग सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं तो वो तो सरसों के ऑयल में ही बनाते हैं, बट हमारे यहाँ पे रिफाइंड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसी वजह से हम लोगों को ऑप्शन नहीं रहता है, रिफाइंड ऑयल में ही बनाते हैं। बट सरसों के ऑयल में हमारे यहाँ पर ना खाने की आदत नहीं है किसी को, बट मैंने ना, हम लोग यूपी में रहते थे तो मैंने बहुत बार सरसों के ऑयल में भी बनाया है, तो मुझे अच्छा लगता था सरसों के ऑयल में भी बनाना। बट हमारे साइड में अगर सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा किसी को, बिल्कुल आदत ही नहीं है, कि आदत पे डिपेंड करता है। आदत अगर होती है तो हमें बचपन से जो हम लोग खाते हैं तो उसी की आदत हो जाती है, तो हम लोगों को ना रिफाइंड ऑयल की या मूंगफली के ऑयल की आदत हो गई है, तो इसी वजह से सरसों का ऑयल यहाँ पर नहीं खाया जाएगा किसी से। बट अच्छा लगता है यार, बना के देखो एक बार, तो ट्राई करके अगर आप देखोगे तो अच्छा लगेगा आपको,
और मैंने सरसों के ऑयल का अचार भी खाया हुआ है, तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो हमारे यहाँ पे ना महाराष्ट्र में मूंगफली जो है वो ज़्यादा बोई जाती है, तो इसी वजह से मूंगफली का तेल ज़्यादा निकाला जाता है और वही खाया जाता है। बाकी के साइड में क्या होता है कि सरसों या किसी के साइड में नारियल का होता है, मतलब साउथ में नारियल का होता है, तो वो नारियल तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यूपी वगैरह, बिहार वगैरह, उधर पंजाब में सरसों ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से सबके साइड में अलग अलग होता है। और आप देख लो, बातें करते करते कब सब्जी बन गई तो पता ही नहीं चला। इसकी रेसिपी तो मैं मतलब बता नहीं पाई आपको मुंह से, बट आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या क्या ऐड किया है उसमें। तो मेरा ऐसे ही होता है, जब बातें करने बैठ जाती हूँ ना तो बिल्कुल ध्यान से निकल ही जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। प्लीज़ आप समझ जाना कि उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया है। तो चलिए गाइस, डिनर तो बन चुका है और सिंपल सा डिनर है आज, आलू की सब्जी और रोटी। और मतलब सब्जी मेरी पकी रही है तो सब्जी अभी पक जाएंगी, हम लोग डिनर कर लेते हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी है अभी, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत देर से मैं वेट कर रही थी खाना खाओ, क्योंकि दोपहर में इतना अच्छे से खाना नहीं खाया था मैंने, तो इसीलिए अभी भूख लगी है तेजी से। तो चलिए पहले डिनर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा कलर आया है सब्जी में और कितनी अच्छी दिख रही है दिखने में सब्जी। तो इसी तरह से बना लीजिएगा। और बस ये है हमारा आज का सिंपल सा डिनर। यहाँ पर सैलेड है, प्याज टोमेटो और उसका कैरी का, और उसके बाद सब्जी है और रोटी है। सिंपल सा डिनर है। और आपने क्या क्या डिनर में आज बनाया था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए डिनर कर लेते हैं और आप भी आ जाइए डिनर करने के लिए। है और कुछ चीज़ आई थी वो आपसे शेयर करनी थी, एक्चुअली शाम को ही आ गई थी वो, बट ऐसा हो गया था तो इस वजह से उसकी जो खुशी है वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई थी। मतलब वो जो पार्सल है हमने खोला ही नहीं, तो चलिए फिर पार्सल खोलते हैं, दिखा देती हूँ मैं आपको उसमें क्या चीज़ है। तो ये चीज़ आई है, एक फ़ैन है छोटा जो किचन में हम लोग खाना बनाने के टाइम यूज़ कर सकते हैं। और एक ये है, यहाँ पर दोनों बाप बेटे खोल रहे हैं। अद्विक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, ऐसे कुछ पार्सल वगैरह आते हैं ना मेरे, तो अद्विक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो इसी वजह से उसके पापा उसके हाथों में मतलब पकड़ के दे देते हैं, तो थोड़ा सा वो भी खुश हो जाता है उसी की वजह से। तो बच्चे ऐसे होते ही है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाला पार्सल आया है और ये एक्चुअली रिव्यू के लिए आया है, तो इसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। इसे इंस्टॉल कर लेती हूँ और उसके बाद जल्दी ही इसका रिव्यू शेयर करूँगी आपके साथ। और एक्चुअली ये लॉकडाउन की वजह से रुक गया था, ये लॉकडाउन से पहले ही आने वाला था बट पार्सल ही बंद हो गए थे आना, तो इसी वजह से लॉकडाउन के बाद ये आया है। तो ये अभी ओपन कर रहा है, तो आप देख सकते हो ये ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो अभी इसे इंस्टॉल कर लेंगे, ये अभी इंस्टॉल करके देंगे मुझे इसे, अभी मैं इसे यूज़ करूँगी, उसके बाद इसका जो मतलब वो है रिव्यू है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे मतलब कैसे यूज़ करना है, क्या करना है और कैसा लगा मुझे ये, और सच में ये काम करता है या नहीं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए अभी ये निकाल लेंगे सारी चीज़ें, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे इसमें क्या क्या है, मैनुअल पढ़ना पड़ेगा कैसे कैसे इसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या करना है, और फिर उसके बाद इसे यूज़ करेंगे और फिर मैं आपके साथ इसका जेन्युइन रिव्यू शेयर करूँगी। तो रिव्यू इसका जल्दी ही आने वाला है, वेट करना। चलिए गाइस, ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है और सबसे पहले तो जो मुस्लिम मुझे देख रहे हैं उनको ईद मुबारक हो और इस साल की आपकी ईद बहुत अच्छे से जाए, और आशा करती हूँ कि घर पे रह के आप बहुत अच्छे से ईद सेलिब्रेट करो। तो चलिए, अभी जिन जिन की एनिवर्सरी एंड बर्थडे है तो उनको विश करना है। तो सबसे पहला विश करना है मुझे, मेरी एक सब्सक्राइबर है उनके दी एंड जीजू की एनिवर्सरी है, तो उनका नाम है कौसिम एंड फरा, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी कौसिम एंड फरा। और सेकेंड एनिवर्सरी विश करना है प्रणीता एंड मारुति बाड़गे, तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी डियर प्रणीता एंड मारुति। और शुभांगी पाटिल ने कमेंट की थी कि उनके हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनके हस्बैंड का नाम है प्रवीण पाटिल, तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण पाटिल जी। और हाँ, कल के ब्लॉग में एक नाम लेना भूल गई थी, तो उसके लिए सो सॉरी डियर, उनका कल बर्थडे था और मैंने शायद वो कमेंट ही नहीं पढ़ी, तो उनका नाम ले लेती हूँ। और उनका नाम है रामीला, हैप्पी बर्थडे रामीला, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे रामीला, सो सॉरी डियर उसके लिए कि मैंने आपका कमेंट ही नहीं पढ़ा था, तो मेरी ही गलती है, बट आई होप आप समझोगे। थोड़ा सा काम का प्रेशर हो जाता है उसमें, थोड़ा सा हो जाता है ऐसा कभी कभी,
और जिन जिन की एनिवर्सरी एंड बर्थडे है उन सभी के लिए मैं इतना ही प्रे करूंगी कि आपको ढेर सारी खुशियां मिले आपके लाइफ में और आप जो चाहो आज के दिन वो मिल जाए आपको। और अभी जो नाम लेने हैं मुझे वो नाम ले लेती हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने अपने बच्चों का और उनकी भांजी का नाम लेने के लिए बोला है, तो उनके बच्चों का नाम है स्वरा एंड श्रेय और उनकी भांजी का नाम है साध्वी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। और आशा कदम ने कमेंट की थी उनके बेटे का नाम लेने के लिए, तो उनके बेटे का नाम है ओम स्वरूप। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। और आप सभी को आपकी लाइफ में सारी खुशियां मिले और आप सभी की सारी विश पूरी हो जाए, तो यही गॉड से आपके लिए प्रे करूंगी। और चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहां पर भी फॉलो कर सकते हो। जाते जाते लाइक जरूर कर देना और चाहो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और सब्सक्राइब करोगे तो उसके बाजू में एक बेल आइकॉन आएगा, उसको भी क्लिक कर देना। उससे क्या होगा कि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और उसको आप सबसे पहले देख पाओगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।